प्यारे बच्चों, जितनी खुशी आपको यहाँ राष्ट्रपति भवन में और मेरे से मिलकर के हो रही है, उससे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। और उसके दो कारण, एक तो जिस विद्यालय से आपका संबंध है उसका नाम जो है तपस्या, और मुझे लगता है कि उसकी परिभाषा मुझे समझाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तपस्या कठिन होती है लेकिन उसके परिणाम अच्छे आते हैं। दूसरी चीज़, आप जिस ज़िले से आते हो, वर्धा ज़िला, वर्धा ज़िला जहाँ गांधी जी का सेवा ग्राम भी है, मुझे भी जाने का अवसर मिला, लेकिन उस वो ज़िला सदैव क्रांतिकारी ज़िला रहा। स्वतंत्रता आंदोलन हो अथवा उसके पहले के आंदोलन हो, हर आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और एक हमेशा वो डिस्ट्रिक्ट जो था उससे पूरे देश ने एक इंस्पिरेशन हमेशा पाई। मुझे लगता है कि जिस ज़िले को आप बिलोंग करते हैं, वहीं की जो धरती है, उस धरती की प्रेरणा से ही आप सब लोग आगे बढ़ना चाहिए। अपने आप नहीं बढ़ सकेंगे अनलेस यू रियलाइज द ड्रीम विच योर फादर्स, योर पेरेंट्स हैव सीन इट, आर योर टीचर्स हैव सीन इट, यू हैव टू गो फॉरवर्ड। एक चीज़ और, जिसकी आपने संतों की बात की थी, महाराष्ट्र संतों की धरती है, संतों की विशेषता एक होती है, उनके करेक्टर में होता है, दे ऑलवेज कीप ऑन मूविंग, और मूविंग इसलिए होते हैं क्योंकि दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर सजेस्ट दैट एवरीथिंग इज मूविंग एवरी टाइम। आप लोग तो पढ़े हैं, पृथ्वी को जानते हैं, पृथ्वी घूमती है कि सूर्य घूमता, कौन घूमता हैं? अच्छा, लेकिन संतों की भी जो परंपरा है वो घूमने की होती है। घूमते इसलिए है क्योंकि प्रकृति का जो नियम है बदलाव का, वो बदलाव के साथ सबको आत्मसात करते हैं, वो जो सीखते हैं वो दूसरों को देते भी हैं, इसलिए वो घूमते रहते हैं। और ये उसी परंपरा को निभाते हुए आप जहाँ कहीं भी रहें, जीवन में रहें, घूमते रहिए। घूमते रहने का मतलब ये है कि आपको जो मिला है उसको देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।